नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए लोहड़ी पर्व के बारे में कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत। मित्रों, पंजाब में जीवन को एक नए अंदाज में जिया जाता है। मौज मस्ती और जीवन के हर पल को जो भर के जीने की परंपरा यहां देखी जा सकती है। कुछ इसी प्रकार के जीवन की झलक हमें 13 जनवरी को आने वाले लोहड़ी पर्व में दिखाई देती है। लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में भारत के उत्तरी राज्यों जिनमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्य आसपास के राज्यों में मनाया जाता है। इसी दिन यहाँ की संस्कृति अपने एक अलग रूप में होती है। मित्रों, लोहड़ी केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है, पर वहाँ इस त्योहार की कुछ बात ही और है। इस दिन यहाँ रंग और खुशी अपने शबाब पर होती है। पंजाब का नाम आए और सरसों का साग, मक्के की रोटी, मिट्टी की खुशबू, घड़े के पानी की सौंधी महक की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लोहड़ी त्योहार ही है प्रकृति को धन्यवाद कहने का, फिर उसे पंजाबी अंदाज देना हो तो कुछ अलग जोश तो होगा ही। लोहड़ी को मकर संक्रांति के आगमन की दस्तक भी कहा जाता है। लोहड़ी की संध्या में लोक गीतों का खूबसूरत समा आलम बांध देता है। मन को मोह लेने वाले गीत कुछ इस प्रकार के होते हैं कि एक बार को जाता हुआ बैरागी भी अपनी राह भूल जाए, और सबसे अहम भांगड़ा और सोनी कुड़ियों के गिद्धे, भला उन्हें कोई भूल सकता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आग में जो भी समर्पित किया जाता है वह सीधे हमारे देवों पितरों को जाता है। लोहड़ी के दिन खेतों में झूमती फसलों को घर ला अग्निदेव प्रज्वलित कर उसके चारों ओर नाच गा कर शुक्रिया अदा किया जाता है। यह भी देवों की पूजा करने का एक अलग तरीका है। लोहड़ी के दिन में भंगड़े की गूंज और शाम होते ही लड़कियों की आग और आग में डाले जाने वाले खाद्यान्नों की महक एक गांव को दूसरे गांव व एक घर को दूसरे घर से बांधे रखती। यह सिलसिला देर रात तक यूं ही चलता रहता है। बड़े बड़े ढोलों की धाप जिसमें बजाने वाले थक जाएं पर पैरों की थिरकन में कमी न हो, रेवड़ी मूंगफली का स्वाद सब एक साथ रात भर चलता रहता है। भोर की पहली किरण के बाद ही लोहड़ी के रंग में कमी होती है। मित्रों, यूं तो लोहड़ी उत्तरी भारत के प्रत्येक वर्ग हर आयु के जन के लिए खुशियां लेकर आती है, परंतु युवक युवतियों और नवविवाहित दंपतियों के लिए यह दिन विशेष होता है। युवक युवतियां सज धज सुंदर वस्त्रों में एक दूसरे से गीत संगीत की प्रतियोगिताएं रखते हैं। लोहड़ी की संध्या में जलती लकड़ियों के सामने नवविवाहित जोड़े अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय व शांतिपूर्ण बनाए रखने की कामना करते हैं। सांस्कृतिक स्थलों में लोहड़ी त्योहार की तैयारियां समय से कुछ दिन पूर्व ही आरंभ हो जाती हैं। मित्रों, लोहड़ी पर्व क्योंकि मकर संक्रांति के ठीक पहले की संध्या में मनाया जाता है तथा इस त्योहार का सीधा संबंध सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से होता है। सूर्य स्वयं आग व शक्ति के कारक हैं, इसलिए इनके त्योहार पर आग की पूजा तो होनी ही है। किसान इसे रबी की फसल आने पर अपने देवों को प्रसन्न करते हुए लोहड़ी त्योहार मनाया करते हैं। इस खुशी के मौके पर आप सभी को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।